दोनों की जिंदगी में कोई कमी ना आए, कोई कमी ना आए। लौंडे खुश हो गए थे। ये जो ढोलक वाले भाई साहब है, बड़े प्यारे इंसान है, बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है। एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गए मैं होटल में खाना खिलाने के लिए, दरवाजे की लड़की थी, यहाँ लेके चलो वहां लेके चलो, महंगे होटल में गए खाना मंगाया, जैसे ही बिल आया, बिल देखते ही अगले का मुंह सूख गया। तो लड़की ने कहा है मुंह क्यों सुखा दिया, तो गाने में कहते हैं मुंह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। लड़की बोली चलो चुपचाप बिल दे दो, दिया जाए ना जाए ना जाए। फिर वेटर को बोला वेटर को, ओरे लड़के तू मुझे बतला, क्या साहब बर्तन धोने की जगह दिखला। वेटर बड़ा साफ, पहले सूप तो पियो, पिया जाए ना जाए ना। जैसे कि आपको पता है आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका की मैच है, श्रीलंका के रावण ने जी ना हराम कर दिया था प्रभु राम जी का, भिक्षु का रूप लेकर आए थे, सीता माँ का हरण किया था, आपको पता होगा। मैंने सोचा कि संगीत में म्यूजिक में अगर रावण आएंगे गायक और सीता माँ का हरण करेंगे तो गाने में कैसे, सुनिए। ए माई भिक्षा देना तू रावण आया, ए माई भिक्षा देना तू रावण आया है, आपको किडनैप करने का दृश्यम आया है, आपको उठा के मैं लंका ले जाऊंगा, इसी हरकत से मैं मारा जाऊंगा, ऐसा मन में आधर्मी विचार आया है। ए माई खाना देना तब से लेके अब तक श्रीलंका को हम लोगों ने हमेशा हराया है, आज भी हराएंगे। ये लोग लड़के लोग सब खाना में खा के आए ना, हाँ जी मोबाइल देख रहा हूं मैं आजकल, हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया और सस्ता हो गया मोबाइल, और किसने किया धीरू भाई ने, उनका फोटो भी ऐसा था कि मोबाइल सस्ता करके जाऊंगा, इतना सस्ता हो गया कुत्ते बिल्ली भी फोन खरीद रहे हैं। मैंने कुत्ते को फोन किया, मेरा दोस्त है कुत्ता, मैंने कुत्ते को फोन किया तो कुत्ता बिजी था, उसके फोन से आवाज आई, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भोगता है, तुम भी कहीं और भोगता। तो ये नौजवान पीढ़ी जो है, जो भी सोशल मीडिया पर लगी हुई है, खासकर फेसबुक पे, सुंदर लड़की अपना फोटो डाले फेसबुक पे, आपको तो पता लड़की फोटो कैसे डालती है, मेकअप वेकअप करके फोटो डालती है, अब दरभंगा का आदमी देख रहा है हमरे ले डाली है, अब कमेंट दिए जा रहे हैं, हम जैसा आदमी फोटो डाले और ऊपर लड़की लिखती भी क्या है, आज मैं घर में अकेली हूं, हम जैसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं, तो माँ के सामने ढोलक वाले का कमेंट आएगा फांसी लगा ले, जल्दी कर रहा हूं बचाने नहीं आएंगे। अरे कपड़ा डालता अभी पुलिस वालों को प्रणाम करता हूं, ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम मैंने आज तक कभी नहीं देखा, प्रोग्राम में पुलिस वाले भी है और मिलिट्री वाले भी है, पता नहीं क्या होने वाला है, प्रोग्राम ही होने वाला है और इमेज सचिव में भी है। पुलिस वालों को मैं प्रणाम करता हूं, एक बच्चा मेले में खो गया था तो पुलिस वाले चले गए पूछने के लिए, वो गाना हिट हुआ ना, वाय दिस गोला वेरी कोला वेरी कोला वेरी डी, किसने गाया पता है ना कौन, नाम धनुष है, खुद इतना दुबला पतला तीर लगता है, ये गाना इतना हिट है और बच्चे बच्चे समारोह, बच्चा मेले में खो गया तो पुलिस वाले पूछा तू कौन है कहां से है, तो बच्चा इसी गाने में जो उधर है इसी गाने में कहता है, पुलिस वाले ने पूछा बेटा माँ के बारे में बताओ, वो कहता है माँ मेरी कोला पूरी, बाप बाप मेरा सोला पूरी, क्या करते हैं दोनों बेचे छोला पूरी जी।
बेटा आपके पापा कैसे दिखते? पापा दिखते कैसे? पापा कलर वाइट वाइट, पी के रहता टाइट, माँ तो मारती उसको बेलन, नाम है माँ का विद्या बेलन, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा सोलापुरी, दोनों बेचे छोल्हापुरी जी। ये आज के बच्चे। एक और फरहान अख्तर है, फरहान अख्तर की आवाज आपने सुनी होगी। हाय दिस इज फरहान अख्तर, कहूंगा भी वैसे ही जैसे बात करता हूँ। अब इस आवाज में गाना भी गाते हैं, गला बैठा हुआ है फिर भी गाएंगे। ऐसा कहते हैं कि बाप की सजा बेटे को मिलती है। बाप जिंदगी पर इतना बोला है कि बेटे का पैदाश ही गला बैठा हुआ है। गाना आपको पता ही होगा, गाना गाते इसी आवाज में। मैं समझा, मैं जाना, मैं समझा। इस गाने में इनके सामने एक विदेशी औरत भी डांस कर रही है, फिल्म में देखा होगा आपने, विदेशी औरत भी। वो समझ में नहीं आ रहा कि गाना गा रही है या अपनी भाषा में इसको गालियां दे रही है। कैसे देखिए, मैं समझा, मैं जाना, अपनी भाषा में। अरे मारे तेरे मेरे कुतरे, तेरे मेरे कुतरे, मैं समझा अरे कुतरे, फिर भी अच्छा लगा ऐसा रीटा, अरे कुतरे, मगर फिर भी अरे कुतरे, तूने फेंक के मारा मुझको ईटा। ये सब चलता है, हर एक अपना अंदाज है। अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, देखते हुए आप लोग साउंड पूरा बढ़ा। बच्चन साहब उस प्रोग्राम में आते हैं, सफेद दाढ़ी मूछ में, सफेद दाढ़ी मूछ में, सफेद दाढ़ी मूछ में लगता है जैसे दही में मुंह मार गया, और आगे पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो लोग बोलते हैं आप ही बनोगे। पिछले 20 साल से दो ही बातें हुई, आप करोड़पति बने और आपका बेटा पति बने। कैसे? नो आईडिया। क्योंकि जैसे कोई बंदा वहां पहुंचता है, मैंने देखा कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देख के देखा, दुकानदार अपने नौकर को मार रहा है। मैंने क्यों मार रहे हो? बोले अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हैं। सुबह सुबह दुकान खोलता है और जैसे कोई पहला ग्राहक आता है उसे कहता है क्या चाहिए, तो ग्राहक कहता है साबुन चाहिए, तो कहता है कौन सा साबुन, ए लक्स बी हमाम सी सिंथोल या डी लाइफ बाय, तो ग्राहक कहता है डी लाइफ बाय, तो कहता है शुअर लॉक कर दे, और दुकान लॉक करके भाग जाता है। अरे कपड़ा बनाना, अभी पिछली बार नोटबंदी हुई थी, मैंने देखा एक भाई साहब लाइन में लगे थे। मैंने उनकी पत्नी से पूछा जो हमारी बिहार की भाभी थी, भौजी थी, मैंने कहा भौजी ये बताइए भैया कहाँ है, तो भोजपुरी भाषा में कहती है ये जो लंबी कतार है ए भैया, ये जो लंबी कतार है इसी में फंसा हमारा बतार है। अरे कमरा अभी ये लोग हंस नहीं रहे हैं, क्या कहूं इनके बारे में, अमीर लोग है हस्ती। मैंने एक परेशान आदमी से पूछा कैसे, ठीक है। माँ कैसी है, बीमार है, बाप पागल हो गया है, भाई जेल में है, नौकरी छूट गई है, बच्चे हुए नहीं, नाम क्या है, लकी, नाम लकी है नंबर हमारे का, अलग अलग अंदाज। एक आदमी बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, उसका नाम है विकास। मैंने कहा जब तेरा नाम विकास है तो तू गांव में जा, गांव में विकास की जरूरत है, तो कहता है वहां मेरी छोटी बहन ऑलरेडी रहती है। मैंने कहा कौन, बोले प्रगति। इतना कमाकम का जवाब होता है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ नेताओं की और कुछ अभिनेताओं का अंदाज पेश कर रहा हूं, खासकर हमारे पीएम साहब मोदी जी अगर यहां पर आते और आज मैं शुभकामनाएं देते तो कैसे देते, उनका भाषण उन्होंने मुझे दे दिया, सुना दो। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं इतनी हवाई जहाज की यात्रा कर चुके हैं कि अब उनकी आवाज में भी हवाई जहाज का इफेक्ट आने लगा है। लगता है जब बात करते हैं मोदी जी ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज में ही बैठे हैं। मित्र मैं दरभंगा के प्यारे भाई बहनों, लग रहा ना बादल हवाई जहाज में लग रहा, आज मैं
दरभंगा में आपको शुभकामना देने खुद आने वाला, परंतु एक काम आ गया मेरे मन में जो है हाल आपको सुनाएगा सुनील पाल। मित्रों मत रो, अगले साल आऊंगा लेकर मेट्रो, और आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। मित्रों तालियां बजा दो। अभी मुझे आयोजक कह रहे थे ये दरभंगा है, यहाँ लंबे लंबे जोक्स सुनने नहीं आते, छोटे छोटे जोक्स सुनाओ, दो शब्द में कॉमेडी खत्म करो। मैंने कहा दो शब्द में कॉमेडी कैसे हो सकती है? बोले दो शब्द में कॉमेडी हो सकती है। मैंने कहा पैसे कैसे हो सकती है? बोले राहुल गांधी। हो गया बस दो शब्द। अरे अंदाज अभी देखिए, एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। जैसे हम लोग 4 बजे सुबह उठते हैं, 4 बजे सुबह उठते हैं तो बाबा रामदेव जी टीवी पे आते हैं, बाबा रामदेव जी, और आकर कहते हैं योग से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा, मैं तो योगा से ही हुआ, तब तो मेरी पहचान तो योगा ही है, योगा से होगा। एक बंदा पहुंच गया वहां पर, बाबा मैं बहुत परेशान हूं, आसन करो। बोले क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको, सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको, सारे प्रॉब्लम ठीक हो गया। 15 दिन बाद आया टूटा फूटा, कौन सा आसन सिखाया था बाबा? सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको। घर पे गया, सांस सोई हुई थी, उसको जैसे ही फेंकने वाला था वो मेरे पे गिर पड़ी। ये कौन सा आसन है बाबा? शवासन, शवासन। एक मारवाड़ी आदमी चला गया, कहता बाबा भाई मारे छोड़े तो कौन सा आसन सिखाए हुए? वो लड़की ने दुपट्टे खींचे हुए, कौन सा आसन? दुशासन, दुशासन। कभी कभी बाबा जी कहते ताली बजाओ लाभ होता, ताली बजाओ लाभ होता। एक सचमुच ताली बजाने वाला पहुंच गया वहां पर। हे बाबा, बाबा, हे बाबा, ताली बजाने वाला पहुंच गया वहां पर कि बाबा कहते ताली बजाओ लाभ होता है, तो पहुंच गए, ताली बजाओ लाभ होता है। हे बाबा, हे योगा का ढाबा, ताली बजा के क्या लाभ होता है बाबा? हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रहे हैं, ना नस ठीक हुई ना नसल ठीक हुई है। हरे का प्रॉब्लम, जैसे माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी, I'm